देखो मिसबा भाई, हमने पावर की पढ़ी अभी, डेट डेट सेक्शन चल रहा है, लेकिन उसमें पावर की इसलिए पढ़ी क्योंकि पावर की में भी हमारे उल्टेज आते हैं। सही है, बाकी उल्टेज हमने देखे कितनी जगह पे जा रहे हैं, 39 जगह पे VPH जा रहे हैं। सही है, एक हमारी जो है पावर की के लिए भी आ रहे हैं। पावर की में कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक लाइन होता है, देखो ये पावर की से आ रहे हैं, बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, कितने ओम का, आवाज़ नहीं आई, तू कैसा दगा से जबरदस्त आवाज कोई, अच्छा एक के से लेकर 10 कहता है। अच्छा, और इसका ये काम किस तरह करता है वो आपको समझा दिया। सही है, कि पावर की किस तरह काम करता है, किस तरह प्रेस कर दे तो क्या हो जाता है, कैसे क्या होता है। सही है, वो सब आपको समझा दे। अभी ये पीसीबी है मिसबा भाई, इसमें ये फोन और बिडेड है, सिर्फ पावर की का मसला नहीं है। जिशान भाई का मोबाइल है, लेकिन इसका पावर की का मसला नहीं है, और भी मसला है। ये एक जंपर टीपी से उठाया है, लेकिन इससे काम नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हटा रहता हूँ। इसका सिंपल सा अगर हम पावर की बात करें ना, इसके पावर की सही नहीं है, पावर की भी वैल्यू नहीं है। इसका ये डायग्राम हमने ओपन किया है, ज़रा ऊपर मूड चेंज कर लो इसका। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें अली भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज दफ़ा जो है ना, आपको IC उठाने की ज़रूरत नहीं होती, कई और से आप लर्निंग ले सकते हो। और इसमें अभी आपकी जो है ना आखिरी क्लासेस चल रही है तकरीबन, तो मैं आपको सर्विस मैनुअल में भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, और IC के डेटा सेट में भी। सही है, तो इस पर ज़रा बात करें। IC डेटा सेट शुरू के पहले दिन में बर्नियो की हर चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेकिन उस टाइम आप क्या थे, बच्चे थे तो बस समझाए और ऊपर से गुजर गया। लेकिन अभी जो समझा रहे हैं माशाल्लाह, आखिरी दिन है, जहन में बैठ रहा है, जहन में बैठ रहा है। सही है, क्योंकि 25 दिन मेहनत की तो कुछ तो रंग लाया होगा। हाँ, तो देखो डाटा शीट मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन इससे मसला किस तरह मालूम करते हैं वो आज समझते हैं। सही है, देखो यहाँ पे पावर की बात करें तो ये पॉइंट है पावर की के, एक हो गया वॉल्यूम अप, एक हो गया वॉल्यूम डाउन। यहाँ पे लिखा है पावर की कूल 1 और 0, बाहर कोई भी ना हो आप समझ सकते हो। ये हो गया पावर की का लाइन, मिसबा भाई समझो, जिस तरह हमने कहा था इस लाइन में हमारी होगी एक रजिस्टर, इसकी वैल्यू भी बताया आपको। आगे ये लाइन जा रही है हमारी कहाँ पे जाएगी, डायरेक्ट PM में। सही है, यहाँ पे PM कौन सी लगी है, 6358W, 6358W। इसकी डायरेक्ट आ रही है हमारी जो है ना, यहाँ से अगर पिन की गिनती करें तो 3 को छोड़ के अगला दूसरी लाइन में जो है ना चौथा पिन है, दूसरी लाइन में चौथा पिन है। सही है, बाहर से हम जंपर लगा सकते हैं अली भाई इजीली, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी बाहर से जंपर यहाँ भी लगा सकते हैं। उसके लिए सैम्पल से हम ये कैप रिमूव करके डायरेक्ट इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन अंदर हमें चूंकि नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं और बाल से भी टच हो जाए। सही है, तो ये मसला हम कहीं और सी बयाल कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह, इसमें बर्नियो में अगर आप देखो तो और कहीं पे भी लाइन नहीं है, सिंपल सा वहीं पर एक रजिस्टर है बीच में, उससे आके डायरेक्ट IC के अंदर गई है, और है भी इस तरह। सही है, ये रजिस्टर से आगे एक TP है यहाँ पे, लेकिन रजिस्टर के पीछे हमने देखना है, क्योंकि इस फोन में ये रजिस्टर भी रिमूव है, ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर इसमें नहीं है, इसकी इस तरफ भी वैल्यू नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखो ये मूड ज़रा चेंज कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका फ्लस लाइन हमने निकालना है, माइनस यहाँ से लगाते हैं, माइनस सही है, प्लस हमने ये निकाला है। पावर की जब प्रेस करें देखो बिल्कुल एम्पेयर नहीं रह रहा, बिल्कुल सही है। यहाँ से पावर की प्रेस करें अगर, यहाँ से ये हमारा कौन कौन सा लाइन है, पहले दो नंबर, पहले एक और दो, इसको मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, देखो वहाँ पे कोई भी एम्पेयर नहीं लगा, मतलब पावर की इसका मिस है, ख़राब है पावर की। हमने देखा यहाँ पे आ रहे हैं, एक TP है, चाचो समझ में आ रहा है, ये एक TP है, मीटर बजर और प्राप मुझे दे दो, बजर पे है, बाजार पे नहीं है यार, प्राप चेक करो, पॉप हो गया। चलो ये भी नाराज हो गया, यहाँ पे एक TP है मिसबा भाई,
देखो वैल्यू है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आगे हमने डायग्राम में देखा तो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये स्क्रैच भी हुआ है, कहाँ भी इतना हुआ है, ये पुन और भी डेड है, और भी हम रिपेयर करेंगे, किस तरह क्या मसले है वो भी करेंगे। पहले पावर की ओके तो करना है ना, पावर की ओके करना है, और भी डेड है इससे हमें और भी रिपेयर करना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आया है, देखो ये और ये आपस में कनेक्ट होंगे, देख रहे हो, उससे आगे ये जा रहा है, मैं ग्राउंड यहाँ पे कर लेता हूँ, नज़र आ रहे ऊपर ये वाला, यहाँ पे वैल्यू है नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इससे आगे डायरेक्ट जा रहा है हमारे आईसी की पिन नंबर, हाँ चार नंबर, दूसरी लाइन पे चार नंबर, तो यहाँ पे और कोई भी टीपी वगैरह नहीं है, सही है रास्ते में। लेकिन इसको बगैर आईसी उठाए भी हम एक ट्राई इसमें कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सही है। किस तरह कर सकते हैं, ये मोड ज़रा चेंज कर लो, देखो इनको भी ज़रा दिखाओ, ये हमारा इसमें मसला ये पावर की भी वैल्यू नहीं आ रही और पूर्ण भी डेड है, बोला ना बात को समझो। तो चाचू लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीपी है वहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, रजिस्टर पे भी वैल्यू नहीं है, इसके लिए हमें बर्नियो में भी ये बताया गया है कि आप क्या कर लो, आईसी उठा लो। लेकिन आईसी के अलावा भी कुछ और ट्रिक है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं, मिसबा भाई क्या ख्याल है? चलो देख दे, इसके लिए आपको जो है ना आईसी का मॉडल याद होना चाहिए। आईसी का मॉडल यहाँ कंपोनेंट नेम पे अगर आप आओगे, देखो कंपोनेंट नेम पे मैंने क्लिक किया इस मॉडल के, आसानी से आप मालूम कर सकते हो। या हमारे पास ये पड़ी हुई सामने लिखा हुआ 63W, देख लो या पे आके भी आप मालूम कर सकते हो कि हमारे आईसी कौन सी है, MT6358W, ये है, सही है। देखो ये आपने मालूम की आईसी ये है, ये आईसी जो है ना बहुत सारे मॉडल में लगे हैं, बहुत सारे मॉडल में। यहाँ पे इन्होंने रनिंग मॉडल के लिए कुछ डेटा शीट दिया, डेटा शीट है क्या नाम के सर, डेटा शीट, तो इसमें हमने आना है। यहाँ पे लिखा है ऑडियो आईसी का डेटा शीट, बैटरी कनेक्टर और ये कपलर बताया ना, डुप्लेक्सर बताया ना, फिल्टर बताया, रेडियो ये क्या लिखा है, रिसीवर, ये एफएम आईसी बताया ना, फ्रंट एंड हाँ, और ये आईसी चार्जर आईसी, लॉजिक कॉमन लॉजिक आईसी, ये क्या है, बारह नीचे आते हैं, ये बहुत सारे नाम है, ये एक करते करते मगरिब हो जाएगी, सही है। या भी हमने ढूंढना है चार्जिंग, ये पीएम पावर मैनेजमेंट आईसी, पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट आईसी। देखो इसमें ये लिखा है वायरलेस का के लिए, ये लिखा है यूएसबी यूआर्ट प्रोटोकॉल बोला है ना, याद है, ये भी यूएसबी के लिए, ये कुछ और है ट्रांजिस्टर, ये कुछ और है, ये स्पीड रैम क्वालकॉम मीडियाटेक सीपीयू के, अगर आपको डेटा शीट चाहिए वो भी इसमें मिले, सेंसर के और ये फिल्टर के। इससे आगे अगर हम आइए, ये लिखा है पावर मैनेजमेंट, मिसबा भाई एक लिखा है पावर एम्पलीफायर, इसका मतलब पीए पावर एम्पलीफायर, ऑडियो पीए हो गया, सिग्नल पीए हो गया, 2G 3G 4G, और इसके नीचे लिखा है पावर मैनेजमेंट, इसमें हाँ पीएम, इस पे क्लिक करते हैं, इसमें ये सारे आईसी दिए हुए हैं, देखो डेटा शीट, ये 77650, ये सब कुछ दिया है, हमने कौन सा ढूंढना है, 6358, ये रहा 6358, सही है। डब्ल्यू साथ में हो या ना हो काम चल जाता है, दोनों एक ही है। डेटा शीट उस आईसी का ओपन करना है, देखो डाउनलोडिंग पहल, नेट का मसला है, कोई और आईसी ओपन करके वापस यहाँ पे आते, ये जब डाउनलोडिंग में पहल हो जाती है तो फिर वो ओपन नहीं होती। समझ में नहीं आया, बैकी अच्छा जबरदस्त, चलो हाँ वेट कर लेते हैं, बढ़ने में ये मसला, बस असल में इन पे रश हो गया ना पूरा दुनिया, और ये घूम रहे हैं पूरे दुनिया में, इंडिया में बार बार जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं आई कभी। ये MT6785 का हमने ओपन कर लिया इसलिए कि हमारे लिए वो ओपन है, कौन सा था 6358, यहाँ तक समझ रहे हो। ये चीज़ हमने अभी तक आपको इसलिए नहीं बताई कि आप इतने जो है ना एक्सपर्ट नहीं थे, अभी माशाल्लाह सब उस्ताद बन गए, छोटे थे अभी क्या हो गए बड़े हो गए, प्राइमरी से सेकेंडरी में चले गए,
तो अभी ये दे आपको जो है ना इसको रीड करने में, पढ़ने में या समझने में मजा आएगा। उस टाइम हम बता दे दो चाचू बांसर, अभी इसकी थोड़ा मिन्नत करते कि ओपन हो जाए। नहीं इससे कोई लेन देन नहीं है मेरे ख्याल में, जितने भी पेज हो। अच्छा अच्छा हो जाओ भाई, खोल जा सिम से। ये ट्रिक मिसबा भाई समझ लो, ये ऑल इन वन पे काम कर रहे हैं। इसे अगर आपके पास जो है ना वो ना हो, आईसी का लेआउट ना हो, स्केमेटिक्स ना हो, बिड मैप ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी आप इससे मसला हल कर सकते हो। सही है, आपको एक लाइन की ज़रूरत हुई, आपको जो है ना आईसी का ये आईसी किसी मॉडल में भी नहीं है। ये डेटा शीट आपको गूगल से भी आसानी से मिल जाएगा, गूगल से किसी भी आईसी का। सही है, हाँ हाँ ये भी देख सकते हैं। और इसमें एक और ट्रिक है, ये आज तक यूट्यूब पे आपने नहीं देखा होगा कि बायर से हम लाइन किस तरह ले सकते हैं। कोशिश करते हैं, अगर इस डेटा शीट में मुझे मिला तो मैं आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये जो लोग आईसी ड्रिल करते हैं वो डेटा शीट के जरिए ड्रिलिंग करते हैं ना, तो उससे हेल्प लेते हैं, उससे हेल्प लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये शायद छुपाते हैं जो आप वहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ये भी छुपा रहा है, बर्नियो भी छुपा रहा है, ये उनका साथ दे रहा है ओपन नहीं हो रहा नेट तो यार काफ़ी सही है मोबाइल में देखो तो। और डेटा शीट ओपन हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है क्रॉस कर लो, ये कट करेंगे तो भी टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं। इंटरनेट तो सही है यार, वायरलेस नेट अजलान वाला बदल देगा, ये नेट जंग सर रखेगी आता उसला। अच्छा नो इंटरनेट लिख गया यार, दूसरा पेज हम अपने लिए ओपनिंग करते हैं। इसमें डबल पेज इसलिए तो दिए होते हैं, ये किसी ने ट्राई किया है? अभी हमने तीन पेजेस ओपन किया है अली भाई तीन पेज इस पेज में देखते हैं। देखो बर्निवाल ने ऑप्शन अच्छा दिया है, वापस से वहाँ पे आते हैं हमारे कौन से पे, पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट में 6358 फिर से गलत जगह क्लिक हुआ वो जो गलत ओपन क्लिक करते वो ओपन हो जाता है, लेकिन जो सही पे क्लिक करते वो ओपन नहीं होता। ये देखो ओपन हो गया, तारिक भाई आ गया, चलो आ गया। ये ओनली पर 6358 और ये कह लगे और भी एक मॉडल में, हाँ ये भी यूज़ हो सकता है। इसका वर्जन लिख के 2018 में ये लॉन्च हुई है, 3/5/2018। इस डेटा शीट में बहुत सारे बातें हैं, डेटा शीट में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे पिन डिटेल दिए हुए, हिस्ट्री दिए है। हाँ अमिशा भाई आप इसे पढ़ सकते हो, कितने LDO इसमें यूज़ हुए हैं, क्या क्या किस तरह जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, क्या क्या इससे टच है, ये सब बताए गए हैं। वी प्रोक लाइन जो है ना हमारे कितनी जगह पे इसकी यूज़ है, ये वगैरह वगैरह GPIO ये सब कुछ, DRAM ये सब कुछ लिखा हुआ है, नेम लिखा है, आउटपुट वोल्टेज लिखा है कि इस पॉइंट पे इतना वोल्टेज मिलेगा, इस पे इतना। ये जो लोग जो है ना वी प्रोक और इसके वोल्टेज निकालते हैं ना वी मॉडम के, ये याद से निकालते हैं। इसका भी एक पिक्चर उतारो, अभी हम ये पढ़ने वाले हमारा काम आएगा। वी कोर इसका जल्दी से आप एक पिक्चर बना लो। ये लोग जितने भी वोल्टेज बना के इंटरनेट पे अपना नाम करते हैं ना कि ये हमने डेटा शीट बनाया, अपना बनाया है, ये वो सारे याद से लेते हैं। देखो वी मोडेम हमने एक लाइन अली भाई वी कोर इसके देखो वोल्टेज कितने हैं, ये सारे यहाँ पे लिख के 6.25 मतलब 0.6 से 0.5 से लेकर 6 वोल्ट तक ये हो सकता है। सही है, इस तरह सबके साथ लिखा है 1.6 से लेकर 12 वोल्ट तक ये सारे इसमें दिए हुए, VS1 VS2 ये सारे इसमें लिखे हुए। सही है, यहाँ पे कुछ और है, ये सारे वोल्टेज के नाम यहाँ पे है, तो ये यूज़ में आने वाले हैं कि नहीं। VCN हो गया, VCN सही है, और इस तरह VRF हो गया, सारे वोल्टेज के नाम यहाँ पे पहले नाम लिखे हैं
इस आईसी में जो जो पिन यूज़ हुआ है उसके बाद इसके क्या लिखे है, वोल्टेज। हाँ, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ एम्पेयर लिखा है इसके, सही है। और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं ये भी साथ में लिखा है। ये काम की चीज़ है कि नहीं, वी आई ओ 1.8, तो ये वोल्टेज यहाँ से मालूम करते हैं, वी प्रोग यहाँ से, वी रैम यहाँ से मालूम करते हैं, सारे वोल्टेज यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, सही है, कोई भी आईसी ओपन करके उसका डेटा शीट यूज करके। तो इसको आगे, इससे आगे जाते हैं, देखो इस आईसी के अंदर कौन कौन से आईसियाँ मेज है ये लिखा है, ऑडियो आईसी, चार्जर वगैरह वगैरह ये सब इसके अंदर है, सही है। आईसी किस तरह डिवाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आगे जाए अपने काम की तरफ, ये किस तरह लॉजिक लो, कौन से पॉइंट लॉजिक लो, कौन से लॉजिक हाई होते हैं, और पावर की जो है ना वो कहाँ कहाँ से कनेक्ट है। देखो वी एस वाई एस एस ये हमने पढ़ा था अभी, पावर की में हमने पढ़ा, पावर की से जो फीडबैक की लाइन से हमारे वोल्टेज सेंस की लाइन निकलती है उससे कनेक्ट है, होम की कहाँ से कनेक्ट है, रिसेट बी हमारे कहाँ से कनेक्ट है, ये सब कुछ बताया। एसबीआई प्रोटोकॉल जो कि मोसी मीसू भी आया है उसमें, हाँ सी एस मतलब हाँ चिप सेलेक्ट और ये क्लाक हो गया, मीसू मुसी हो गई, इसके कितने वोल्टेज हमने वहाँ पे लिख के देना 1.8 सारी यहाँ से। देखो ये हमारे उस्ताद वालों, हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने भी यहाँ से लिए सारे डेटा इकट्ठा करके इस तरह डेटा बनाया है, सही है। जब भी आपने सर्च करना हो, आपको अपने आप को अपडेट करना हो, तो डेटा शीट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, डेटा शीट से। अली भाई समझ में आ रहे हैं, इतना टाइम है केस में सर्च करो मिल जाते हैं। अच्छा ये सब कुछ एक आईसी का डेटा शीट इन्होंने लिखे है, सही है। आईसी इसी के ज़रिए डिज़ाइन की गई है, देखो सब कुछ। ये तो बैटरी है मेरे ख्याल में। चलो आगे जाते हैं, जहाँ पे हमारा काम है वहाँ पे जाते हैं, मेन जगह पे हम आते हैं। यहाँ पे ये लाइन है अली भाई, यही लाइन आपको समझाने है। आईसी की कौन से पॉइंट से कौन सा लाइन निकल के कहाँ पे आया है ये चीज़ समझाना चाहते, ये डेटा शीट में मिलेगा, सही है। अभी विश्वा भाई जैन काम किए, चलो देखते हैं आगे। और इसका आपको अगर कोई आईसी का जो है ना वो न मिले कुछ भी लेआउट स्कीमेटिक्स वगैरह, तो इससे भी आप मालूम कर सकते हो। ये जितने भी आईसी के अंदर पॉइंट्स हैं, हाँ सब मिलेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये सब कुछ दिया है। अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम ये इसको जो है ना आगे ले जा रहे हैं, वरना टाइम की कमी की वजह से ये सब एक एक बताते तो आपको मज़ा आता। ये फिर आप स्टडी कर लेना, सही है। ये आ गया 6358 बाल मैप, बाल्स की मैप है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम देखें ना उसका कहाँ पे था, अच्छा ये हमने और पेज ओपन कर ली, वापस से रिटर्न वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमारी आईसी की लाइन आई हुई थी, याद है ऑन ऑफ की। ये देखो इस पर इसके साथ हमने कंपोनेंट्स नेम ओपन की थे, आईसी के बाल यहाँ पे है, डॉट से हमारी ए शुरू होगी ना, ए बी सी डी, सही है। तो इसमें अगर हम देख ले तो ए से हमारा स्टार्ट हो रहा है दूसरी लाइन में चौथा, सही है। बी लाइन में क्या हो रहा है ये देखो, अभी वहाँ पे आके मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हमारा ए, ए ए वाली लाइन में नहीं था, सही है। दूसरी ए, ए के बाद जो दो था टू, उसमें से हमारा चार नंबर लाइन था, एक दो तीन, ये हो गया चार, ये किस लिए पावर की। अभी पावर की का लाइन मिस है, आपको आपके पास कमेटिक्स नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या है। ये हो गया D2 क्या हो गया हमारा पावर की। ये हो गया ए बी सी इस तरह, एक दो तीन, ये हो गया बी इस तरह हो गए, हाँ हाँ ए बी सी डी और एक दो तीन, तो उसको मिला के हमारा ये कौन सा पिन बनता है D2, सही है D2 हो गया। तो ये हमारे मिसबा भाई ये हो गया पावर की, लेकिन इससे तो हमें अंदाज़ा नहीं लगा कि कहाँ पे ये बाहर लाइन निकली है। तो देखो इससे ज़रा इससे नीचे हम आएंगे थोड़ा सा, ये देखो आईसी का सारा दिया है ना कि ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, एक ये लाइन यहाँ पे निकली है, बताया ना सारा जो बोर्ड का इंटरनली लाइनिंग है ना वो बताया, फर्स्ट लेयर पहला लेयर, सेकेंड लेयर नहीं बताया। अली भाई अभी देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर में ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। डी में पहला पॉइंट नहीं है वहाँ पे भाई, अगर आप देखो तो पहला पॉइंट नहीं है, याद है
या पे अगर आप देखो तो डी में पहला पॉइंट नहीं है, ये हो गए हमारा ए, ये बी, ये सी, ये हो गया डी। डी में यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये हो गया डी टू, डी डी वन, नहीं डी वन डी टू यहाँ पे हो गया, सही है डी वन डी टू, ए बी सी डी इस तरह हुआ तो एक दो तीन यहाँ पे हुए, ये डी वन हो गया, ये डी टू हो गया। अभी देखो ये पास पहला लाइन नहीं है, यहाँ पे है दूसरा। अभी देखो मिस्बा भाई, ये पहला लाइन यहाँ पे नहीं है, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, डी वन यहाँ पे नहीं है, खाली जगह है डी टू। डी टू लाइन के लाइन कहाँ पे निकले है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे इसकी लाइन निकली है, यहाँ पे हमें पता चला करना कि इसके लाइन निकले हुए, तो इस कंपोनेंट्स को हटा के हम यहाँ से जंपरिंग कर सकते हैं इस लाइन से माइक्रोस्कोप के जरिए, कर सकते हैं नाली भाई। ये पहला जो कंपोनेंट लगा है इस और इसके बीच में हमारा क्या है, पावर की वाला लाइन, सही है, तो देख ले। चलो आ जाओ, आईसी उठाने के से अच्छा है कि हम अपना जो है ना ये कंपोनेंट रिमूव करके देख ले। लेकिन माइक्रोस्कोप में जब हम इसको रखते हैं ना अली भाई, देखो मैं ज़रा इसको वॉश करके आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे लाइन नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन ये आगे आके हमारे इस कैप से टच है, देखो मैं इसको वॉश करके आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। चाचू क्लियर हो गया, इस कैप और इस कैप के बीच में ये जो लाइन आए हैं, सही है, लास्ट में उन्होंने यहाँ तक डायग्राम दिया मिसबा भाई, आगे आके ये कहाँ पे टच है, इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से हम चेक करेंगे कि आप हमारा पूर्ण वोटिंग होता है या नहीं, चेक कर ले। तो इस तरह आपने मालूम कर बगैर आईसी उठाए हुए कि ये लाइन यहाँ पे आया है, ये पूर्ण डेड है, ये पूर्ण डेड न होता तो इससे जो है ना हमारा फोन ऑन हो जाता, सही है, लेकिन पुन और भी डेड है, लेकिन पावर की इस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर आन पुन हो तो इस तरह मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ से बूटिंग नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हो, और बर्नियो में इसका कुछ भी नहीं बताया इस लाइन का, देखो उस कैप पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है हो रहा है बूटिंग, हो रहा है, सही है, एम्पायर ले लिया ना, नज़र आ रहे अली भाई, बाकी पुन नहीं आन नहीं है, वरना ये आन हो जाता। बैटरी की साइड भी चेक करते हैं, चलो एक मरतवा, शायद सिर्फ पावर सप्लाई पे आन नहीं हो रहे हो, स्क्रीन लगाया हुआ है, सही है। देखो अभी 560 के करीब है, देखो 400 से ऊपर चला गया कि नहीं, पुन आन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन आन नहीं है, या शायद इसका डिस्प्ले ख़राब है, लेकिन पुन का पावर की क्या हो गया, सही होगा, वहाँ से हम जंपर उठा के यहाँ पे लगा लेंगे बगैर आईसी उठाए, समझ में आ गया, ये पुन ऑन नहीं है, इसको ऑन करके भी, चलो जज़ाकुमुल्लाह जी, इसको ऑन करके ये जंपर लगा के आपको दिखाएंगे, सही है, चलो कट कर, नमाज के बाद आगे जाते हैं।